चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज दिन भर से लेकर रात तक के सभी मुख्य समाचार ताजा और बड़ी खबरों को। इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज देवरिया कांड के वारदात की जगह पहुंच गए हैं, जहां पर हलचल बरकरार है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राम बारात पर हमले के बाद अलीगढ़ में तनाव, बाजार बंद, कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात। दरअसल यूपी के अलीगढ़ में बवाल हो गया है। रास्ते को लेकर बढ़े विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान एक धार्मिक स्थल से दो दर्जन लोगों ने राम बारात पर सरिया और तलवारों से हमला बोला, जिसमें दो लोग गंभीर घायल हो गए हैं। रात भर पुलिस प्रशासन के अलावा अधिकारी कस्बे में डेरा डाले रहे, जैसा कि हमने आपको सुबह की खबरों की जानकारी में दी है। वहीं बता दें कि इन सब के मद्देनजर कस्बे में कई थानों का फोर्स पीएसी तैनात की गई है। उधर भाजपाई व हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारी चंडौस पहुँचे हैं। रात से ही घटना को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देवरिया में डूबे परिवार के खाली घर में गए अखिलेश यादव। जी हां, जमीन विवाद को लेकर देवरिया के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को 6 लोगों को मारने के बाद यूपी में जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। वहीं आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे तो गैरी बाजार लेकर गाँव तक सफाई और पुलिस ही दिखाई दी। इस बीच देवरिया नरसंहार में पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ मारे गए सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, खुद की जान माल को खतरा बताते हुए सपा अध्यक्ष को रोकने के अनुरोध के साथ डीएम को लेटर भी लिखा है। उधर मना करने के बावजूद अखिलेश यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे, जहां परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं मिला। अखिलेश यादव ने खाली घर को देखा और वहां रखे सत्य प्रकाश दुबे और अन्य चल बसने वालों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप भी ऊपर फोटो में देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में 18 लाख राजस्व प्रकरण लंबित, सीएम योगी सख्त, जवाबदेही तय होगी, ऑनलाइन निगरानी। दरअसल लंबित राजस्व मामलों में निस्तारण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद एक्शन शुरू हो गया है। 18.4 लाख राजस्व मामले लंबित होने के कारण उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड ने ऐसे मामले में शीघ्र निपटान और मंडलायुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों की जवाबदेही तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नियमित रूप से उनकी प्रगति और स्थिति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुक्त ने कहा है कि मामलों की नियत तारीख, अदालत द्वारा पारित आदेश और अदालती कार्यवाही के बारे में सभी जानकारियां वादियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों के लिए उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एथेनॉल प्लांट में होगी अंग्रेजी व देसी शराब की बॉटलिंग, 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जिया बता दें कि गोरखपुर के गीड़ा में करीब 1200 करोड़ की लागत से स्थापित केयान डिस्लरी में अब बॉटलिंग प्लांट लगेगा। इसमें हर दिन 2,00,000 किलोलीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा। इसकी क्षमता वाला यह प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट होगा। बता दें कि इतनी क्षमता में प्लांट के लगने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री को स्टेट बैंक की तरफ से ऋण भी दिया गया है, जिसकी स्वीकृति पत्र रविवार को ही मुख्यमंत्री ने कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह को सौंपा। पलट गया देवरिया के दुबे परिवार का बेटा, अखिलेश यादव से मिलने से इनकार, वजह भी गिनाई। जी हां, आपको बता दें कि देवरिया में 2 अक्टूबर को जमीन विवाद को लेकर हुए 6 लोगों को मारे जाने के बाद यूपी में सियासत गर्म है। जैसा कि हमने आपको भी बताया है कि अखिलेश यादव दुबे परिवार के घर पर गए हुए हैं और उन्होंने फूल माला भी अर्पण की है। साथ ही बता दें कि दुबे के बड़े बेटे देवेश दुबे उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। देवेश ने कहा है कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उन्हें के रात में हमारे परिवार के साथ नाइंसाफी हुई थी। देवेश ने कहा कि 2014 में उन्हीं की सरकार थी, तब हमारे चाचा को बहला फुसला कर बिना पैसे के जमीन बैनामा करा ली गई थी। सपा की सरकार में ही प्रेमचंद यादव के परिवार ने 4-4 राइफल ले ली थी। सपा की ही सरकार में बंदूक की नोक पर हमें घर नहीं बनवाने दिया गया था। हथियारों के बल पर हमारा खेत कब्जा कर लिया गया था। स्कूल की जमीन पर उन लोगों ने आलिशान घर बनवा लिया था। देवेश ने कहा कि सपा मुखिया से हम मिलना नहीं चाहते, उनसे हमारा मिलना उचित नहीं है, हमारी जान माल का खतरा है। यूपी में बुलडोजर लेकर चल रहे भू माफिया, खौफ दिखा रहे अवैध कब्जा, एफआईआर। दरअसल यूपी में भू माफिया बुलडोजर का सहारा अब ले रहे हैं। कन्नौज जिले में कस्बे के गांधीनगर में कीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में हीरो एजेंसी के संचालक अभिषेक गुप्ता, प्रमुख व्यवसायी रेहान वारसी व अरविंद भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इंद्रनगर निवासी सर्वेश गुप्ता पुत्र शिव मोहन गुप्ता ने जानकारी दी कि उनकी कीमती जमीन गांधीनगर वार्ड में है, जिस पर उनका
कब्जा दखल है। जमीन पर 26 सितंबर की रात 8 बजे रेहान वारसी पुत्र खलील वारसी निवासी मंडी बाजार, अभिषेक गुप्ता पुत्र गिरीश चंद्र गुप्ता निवासी बौद्ध नगर व अरविंद भदौरिया निवासी ने अपने 4-5 साथियों सहित हथियारों से लैस होकर आए और जेसीबी से नींव खोद कर कब्जा करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नए ऐप से खुद जनरेट करें बिल, ये होंगी सुविधाएं। जी हां, यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को नया बिल जनरेट करने और बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बिजली लोड बढ़ाने या घटाने, मोबाइल नंबर और पैन अपडेट करने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं पावर कॉर्पोरेशन अधिकारियों के मुताबिक अभी 2 दर्जन से अधिक ऐप थे जिससे उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत होती थी। वहीं अब कंज्यूमर ऐप में सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। पुराने सभी ऐप बंद कर दिए जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में खेत की जुताई में निकली भगवान शिव के परिवार की प्राचीन मूर्ति, देखने जुटी भीड़। जी हां, मुरादाबाद में बिलारी तहसील क्षेत्र के गांव सरथल खेड़ा में आज खेत की जुताई के दौरान प्राचीन मूर्ति निकली है। बुजुर्ग ग्रामीण इसे भगवान शिव के परिवार की प्राचीन मूर्ति बता रहे हैं। वहीं खेत मालिक मूर्ति को लेकर घर चला गया। उधर प्रशासन को प्राचीन मूर्ति मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर SDM राज बहादुर सिंह ने कहा कि मूर्ति को कब्जे में लेकर उसे पुरातात्विक महत्व का पता लगाया जाएगा। जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा ने बांटा भारत पाकिस्तान, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। जी हां, यूपी के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी मौर्य ने कह दिया है कि भारतीय संविधान कहता है कि आस्था, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। हिंदू महासभा ने बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात की थी जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बनी। भारत और पाकिस्तान जिन्ना के कारण विभाजित नहीं हुए थे, वे हिंदू महासभा के कारण विभाजित हुए थे, दो राष्ट्रों की मांग की वजह से। बता दें कि यूपी के बांदा जिले के GIC ग्राउंड में आयोजित बौद्ध महोत्सव में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और फ्रांस में बोला कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। यही बात अगर हमने कह दी तो बवंडर खड़ा हो गया। यूपी के गोरखपुर में पूर्व CM अखिलेश यादव के समर्थकों का काफिला पुलिस ने रोका, धरने पर बैठ गए लोग। जी हां, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व CM अखिलेश यादव गोरखपुर से होते हुए देवरिया जा रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर एयरपोर्ट के पहले एम्स थाने के पास अखिलेश यादव के समर्थकों का काफिला पुलिस ने रोक दिया है और केवल अखिलेश यादव ही देवरिया पहुँच पाए हैं। कुछ देर तक समर्थकों और पुलिस के बीच बहस हुई, इसके बाद कुछ समर्थक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। काली कमाई के खिलाफ आयकर विभाग का बड़ा एक्शन, कानपुर में जब्त की 8 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। जी हां, बेनामी संपत्तियों के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। कानपुर के बिठूर वैससे सटे इलाके में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। जब्त संपत्ति एक वकील की बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि काली कमाई खपाने के लिए ड्राइवर और नौकरों के नाम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया गया था। 4 दिन पहले सदर तहसील के सिंहपुर कछार, गगपुर चकबदा, प्रतापपुर हरी, धर्मपुर, हिंदूपुर में लगभग 15 संपत्तियों को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश में मकान की नींव धसेगी तो नहीं, MMUT ने खोजा जांच का तरीका, घर बनाने से पहले जरूर जाने ये बात। जी हां, लाखों करोड़ रुपए की लागत से बने भवन की नींव भी कई बार धसने लगती है, फर्श और दीवारों में दरार आ जाती है। अब निर्माण से पहले ही ऐसे किसी तरह के नुकसान की जानकारी हो सकेगी। इसकी जांच में खर्च भी मकान की कुल लागत का अधिकतम 0.51% तक ही आएगा। बताने की गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के भू तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर विनय भूषण चौहान ने अलग प्रकार की मृदा पर 14 महीने तक शोध के बाद इसका निष्कर्ष निकाल लिया है। 2024 के चुनाव से पहले ही लागू हो सकता है महिला आरक्षण कानून, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां, महिला आरक्षण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि सितंबर में संसद में पास किए गए महिला आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए। बीते महीने संसद से पास विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, इसके बाद विधेयक कानून बन गया है। इस कानून के तहत लोकसभा राज्यों के विधान परिषदों और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा इस कोटे के अंदर ही SC और ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। दिवाली पर चीन भेज रहा है भारत में बीमारी फैलाने वाले पटाखे, जानिए इस पर क्या बोली सरकार। दरअसल अब बाजार सजने लगे हैं क्योंकि दिवाली आ रही है। भले ही त्योहार में अभी 25 दिनों से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन पटाखों की गूंज गलियों में सुनाई देनी शुरू हो गई है।
अब इन पटाखों और उत्साह के साथ अफवाहों का दौर भी शुरू हुआ है जो त्योहारों के रंग में भंग डाल सकता है। ताजा उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के नाम से वायरल हो रहा एक संदेश है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चूंकि पाकिस्तान भारत पर सीधे हमला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने भारत से बदला लेने की मांग की है। अब चीन ने भारत में अस्थमा फैलाने के लिए विशेष पटाखे बनाए हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से भी ज्यादा विषैले हैं। गोरखपुर में जाम से मुक्ति के लिए सफेद वर्दी की मदद करेगी खाकी, शहर के 19 जाम वाले इलाके चिन्हित। जी हां, गोरखपुर शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने गोलघर, मोहदीपुर, कूड़ा घाट समेत 19 चौराहे व तिराहे चिन्हित किए हैं। इन स्थानों पर रोजाना लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। अब यहां सिविल पुलिस भी यातायात पुलिस की मदद में खड़ी रहेगी। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस की मदद में थानेदार पहुंचेंगे और मदद कर जाम को खत्म कराएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहिए, कमेंट जरूर करें। यूपी के रामपुर में खतौनी से काटा ग्रामीण का नाम, अब धोखाधड़ी में फंस गए कर्मी, लेखपाल समेत 14 पर मुकदमा। जी हां, ग्रामीण का खतौनी में नाम कटवा कर दूसरे का नाम दर्ज कराकर धोखाधड़ी करने के आरोप में लेखपाल सहित 14 लोग फंस गए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इन सभी मामले में सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गयी है।